सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्यावर नेता और रामपुर विधायक आजम खान करीब 27 महीने बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आए। आजम खान को रिसीव करने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव सुबह सुबह ही फूलों के गुलदस्ते के साथ उन्हें रिसीव करने सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान के दोनों बेटे आबिद आजम और अब्दुल्ला आजम के साथ तमाम समर्थक सीतापुर जेल के बाहर मौजूद रहे। गौरतलब है कि आजम खान को 89वें मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली, जिसके बाद देर रात उनकी रिहाई का आदेश जेल पहुंचा और तमाम कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें शुक्रवार सुबह जेल से रिहाई मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। रेगुलर बेल के लिए उन्हें 14 दिन का समय दिया गया है। 14 दिन के अंदर उन्हें निचली अदालत से रेगुलर बेल लेनी होगी। अगर निचली अदालत से उन्हें बेल नहीं मिलती तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ रामपुर जिले में अलग अलग थानों में 88 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन 2020 के एक अन्य मामले में आजम खान का नाम शामिल किया गया। ये मामला रामपुर पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 89 हो गई। इसके बाद रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले में आजम खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। सीतापुर जेल से छूटने के बाद आजम खान सीतापुर का मोहाली से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। उनके साथ शिवपाल यादव, सपा विधायक आशु मलिक और उनके दोनों बेटे भी साथ थे। आजम खान अनूप गुप्ता के घर जलपान करने के बाद रामपुर के लिए रवाना हुए। उधर आजम खान को रिसीव करने पहुंचे शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि आजम खान हमारे पुराने साथी रहे हैं, सुख दुख में साथ देना चाहिए, आज न्याय की जीत हुई है। गौरतलब है कि शिवपाल यादव सुबह सुबह ही सीतापुर जेल पहुंच गए थे। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना